राष्ट्रीय कृमि दिवस के तहत मंगलवार को इंदौर जिले में 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई गई। इंदौर जिले में 12 लाख से अधिक बच्चों को यह गोली खिलाई जानी है, जिसके लिए सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर दवाई खिलाने की व्यवस्था की गई है। देखिए ये खास खबर। पेट में कीड़े होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है, उनके शरीर का विकास रुक जाता है। इसे दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरे देश में प्रत्येक 6 माह में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। सामूहिक रूप से कृमि नाशक दवाई खिलाने से इसके बेहतर परिणाम आते हैं। इसी उद्देश्य से इंदौर जिले में मंगलवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत पूरे जिले में शासकीय एवं निजी अस्पतालों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाने की व्यवस्था की गई थी। 1 से 19 वर्ष के बच्चों को सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवाई खिलाई गई। मुख्य आयोजन मोना का स्थित कम राय स्कूल पर किया गया, जहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ ही टीकाकरण अधिकारी ने स्कूली छात्र छात्राओं को यह दवा खिलाई। हमारे पर ये जो आज नेशनल डिवर्मिन डे है 12 तारीख को, और आज हमारा सीएम मालो कन्या स्कूल में हम लोग आए, और यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उन लोगों को सभी को एल्बेंडाजॉल की आज एक गोली देना है। इसमें ये है कि अगर जो भी आज एनडीडी के इसमें हम लोग 0 जो 1 साल से 2 साल तक के बीच के बच्चे उनको आधी गोली दे रहे हैं, और 2 साल से 5 साल के बच्चे उनको एक गोली पूरी दे रहे हैं, और 5 साल से जो बड़े हैं 19 साल तक के उनको भी एक गोली पूरी दे रहे हैं। तो हमारी आज जो स्कूल में आए हैं यहाँ पर उन बच्चों को सभी को आज एल्बेंडाजॉल की एक गोली दी है। उसे ये है कि पेट में जो भी कीड़े हैं कृमि नाशक की गोली जो है ये साल में एक बार अभी दी जा रही है, उससे जितने भी है बच्चों को सारे के पेट के कीड़े वगैरह वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका कंसंट्रेशन या एनीमिया वगैरह जो केसेस बढ़ते हैं वो भी थोड़ा बच्चों में ठीक हो जाएगा। उनको अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये सब चीज़ें कम होगी, पेट दर्द वगैरह, या ये मान के चलिए कि उनका कंसंट्रेशन ठीक से नहीं हो पाता है, वीकनेस हो रही है, तो ये सब चीज़ें बच्चों में रहती है। इंदौर जिले में 12 लाख बच्चे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें यह दवाई खिलाई जानी है। अधिकतर बच्चों को मंगलवार को दवाई खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यदि बच्चे छूट जाते हैं तो 17 सितंबर को पुनः सामूहिक रूप से कृमि नाशक दवा खिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।